पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। बिहार पुलिस ने मुखबरी करने वालों को जबरदस्त ऑफर दिया है। राज्य में अवैध शराब, अवैध रेत खनन, सोशल मीडिया पर नफरत भरे संदेश फैलाने वाले और साइबर धोखाधड़ी करने वालों के बारे में पुलिस को जानकारी देने वाले मुखबिर को नकद इनाम दिया जाएगा। ये इनाम 25,000 से लेकर 3,00,000 रुपए तक हो सकता है। बिहार पुलिस का कहना है कि अपराधियों का सुराग लगने से क्राइम कंट्रोल किया जा सकता है और ऐसे समाज विरोधी तत्वों की गिरफ्तारी में बड़ी मदद मिल सकेगी। राज्य के गृह विभाग की तरफ से इस संबंध में मंगलवार एक पत्र जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि जनता विशेषकर गुप्त मुखबिरों की भूमिका महत्वपूर्ण है। सर्कुलर में कहा गया है कि पुलिस उन लोगों को पुरस्कृत करेगी जो अवैध रेत खनन में शामिल अपराधियों, अवैध शराब बेचने वाले, साइबर अपराधियों, नफरत और माहौल खराब करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले व्यक्तियों, संगठनों को पकड़वाने में मदद करेंगे। आदेश के मुताबिक पुलिस महानिदेशक ने 3,00,000 रुपए तक के इनाम की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन अगर इनाम 3,00,000 रुपए से ज्यादा है तो अंतिम निर्णय डीजीपी की सिफारिशों के आधार पर गृह विभाग द्वारा लिया जाएगा। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।